हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल SMII पे। और इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आते रहते हैं। दोस्तों, आज स्टॉक मार्केट में फिर बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल गया है और स्टॉक मार्केट ने लोएस्ट लेवल से बहुत ही बढ़िया रिकवरी शो की हुई है। तो आइए आज बात कर लेते हैं एक और स्टॉक की, KIF फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के स्टॉक की। और इस स्टॉक में आज अपर सर्कल लगता दिख गया है और ये जो स्टॉक है 5% ऊपर ट्रेड कर रहा है एट ए प्राइस ऑफ ₹147.05। तो अब आने वाले टाइम में इसकी परफॉर्मेंस किस तरह की रहेगी, इसकी पास्ट परफॉर्मेंस किस तरह की है और इसके सपोर्ट लेवल क्या है, रेजिस्टेंस लेवल क्या है और इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरह की निकल कर आ रही है, सारे डिटेल एक एक करके हम चेक करेंगे। एंड तक आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें। सो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले KIFS फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक की पास्ट परफॉर्मेंस जो है वो देख लेते हैं। तो लास्ट 5 डे का पैटर्न देखें तो यहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव ट्रेंड आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट 5 डेज में इस स्टॉक में 22.54% की रैली जो है वो हो चुकी है। और यहाँ पे भी आपको कंटिन्यूसली सर्किट पे सर्किट लगते दिख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव रैली देखने को मिल रही है। यदि इस स्टॉक का लास्ट 1 मंथ का पैटर्न देखें तो यहाँ पे भी आपको लीनियर ग्रोथ पैटर्न देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख के हैरान हो जाओगे कि इस स्टॉक ने 1 मंथ में ही अपने इन्वेस्टर्स को 267% के मल्टी बैग रिटर्न्स दे दिए हैं। इतने कम टाइम पीरियड में इतने बढ़िया रिटर्न्स बहुत ही कम स्टॉक्स में देखने को मिलते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, 6 मंथ का पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको 250% के अराउंड रिटर्न्स ही देखने को मिलेंगे। पहले इस स्टॉक में आप देख सकते हो रेंज बाउंड काम हो रहा था, लेकिन लास्ट 1 मंथ में इस स्टॉक में बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिल गया है, जैसे कि हमने 1 मंथ के चार्ट में दिखाया है। 1 ईयर का पैटर्न देखें तो यहाँ पे भी 224% के रिटर्न्स ही देखने को मिलेंगे और मेन जो ग्रोथ है वो लास्ट 1 मंथ में ही देखने को मिलेगी। 5 ईयर का पैटर्न देखें तो यहाँ पे और बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे, 414% के बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसे नहीं है कि इस स्टॉक में लीनियरली रिटर्न्स बने हैं। तो यहाँ पे भी पहले आपको बहुत ही बढ़िया ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलेगा, फिर इस स्टॉक में बहुत ही बड़ी करेक्शन भी देखने को मिलेगी। अब इस स्टॉक में बहुत ही पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने को मिल गई है। ऐसा ही होता है, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी स्टॉक मार्केट हो, कभी भी लीनियरली नहीं मूव करती है, इसमें अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, स्पेशली इन द स्मॉल कैप कंपनीज। जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं रिस्की होती हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड इनमें चलता है। जब भागते हैं तो बहुत ही तेज़ी से भागते हैं, लेकिन जब नीचे आती हैं तो बहुत ही तेज़ी से नीचे आती हैं। तो आइए ऑल टाइम का डाटा भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 239% के रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। तो आइए इस स्टॉक के कुछ और पैरामीटर चेक कर लेते हैं, फाइनेंशियल पैरामीटर चेक कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी की जो परफॉर्मेंस होती है वो उस कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ ही लिंक होती है। तो ये जो कंपनी है 1995 में शुरू हुई थी, ये जो कंपनी है फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है, असेट मैनेजमेंट का भी काम करती है, इंडिया में इसके हेडक्वार्टर्स हैं और इस कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 7 है एज पर 2021 डाटा। और आइए अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ का पैटर्न जो है वो हम स्टडी कर लेते हैं। पहले जून 2021 का पैटर्न देखें तो यहाँ पे आपको नेगेटिव ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। जो रेवेन्यू है 8% के साथ रिड्यूस हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट इनकम देखें तो 8% के हिसाब से ग्रो रिड्यूस हो रही है, EPS भी 8% के हिसाब से ग्रो रिड्यूस हो रहा है और नेट प्रॉफिट मार्जिन में फ्लैट ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग इनकम भी आपको नेगेटिव ट्रेंड शो करती दिख जाएगी। तो आइए अब हम इसके लेटेस्ट क्वार्टर दैट इज September 2021 के नंबर चेक कर लेते हैं। तो September 2021 के नंबर यदि हम चेक करें तो आप देख सकते हो इसका जो रेवेन्यू है दैट वाज 2.03 करोड़ और यहाँ पे आप देख सकते हो 141% का जंप देखने को मिल गया है ऑन ए जीयर ऑन जीयर बेसिस। तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल गया है। नेट इनकम देखें तो 1.38 करोड़ है, यहाँ पे भी 147% का जंप देखने को मिल गया है। EPS देखें तो ये भी आपको 146% के हिसाब से ग्रो होती दिख जाएगी और इसके जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वहाँ पे भी आपको 2.39% की ग्रोथ जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके फाइनेंशियल्स पैरामीटर बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रहे हैं। ऑपरेटिंग इनकम देखें तो यहाँ पे भी 151% की ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। तो ऑल द फाइनेंशियल पैरामीटर्स आर लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव एंड इसलिए इस कंपनी के जो सितंबर क्वार्टर के नंबर्स थे बहुत ही रोबस्ट देखने को मिल रहे हैं।
तो आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और पैरामीटर इसके हम स्टडी कर लेते हैं, इसकी डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी डाटा चेक कर लेते हैं। अभी जो हमने इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपको बताई है, ये इस कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस शो कर रही है। तो इस कंपनी की टर्नओवर देखें तो आप देख सकते हो इसका जो टर्नओवर है दैट इज 12.70 लाख, तो बहुत ही छोटी सी कंपनी है। और यदि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 159 करोड़ का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो कंपनी है एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी निकल कर आ रही है। पीई रेशो इसकी 33 की है। प्राइस टू बुक रेशो देखें तो वो आपको 4.05 की देखने को मिल जाएगी। आरओई परसेंटेज देखें तो वो भी आपको डबल डिजिट की जो है वैल्यू शो कर रही है, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी इज आल्सो शोइंग डबल डिजिट ग्रोथ। तो आइए इसके कुछ नंबर जो हैं वो हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम इस कंपनी का जो नंबर्स हैं वो आपको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है इन द समर 21 दैट इज़ क्वाइट पॉजिटिव। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है जून 21 के नंबर्स नेगेटिव थे, लेकिन सितंबर 21 के नंबर्स बहुत ही पॉजिटिव रहे हैं। एंड द स्कोर हैज़ इम्प्रूव्ड फ्रॉम 2-10 फ्रॉम 9। दोस्तों ये जो फाइनेंशियल स्कोर है दिस हैज़ बिन कैलकुलेटेड बाई द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बेस्ड ऑन द वेरियस पैरामीटर्स लाइक फाइनेंशियल डिटेल्स, टेक्निकल्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न, और ये सारे पैरामीटर को चेक करके इस कंपनी का जो नंबर्स है दैट इज़ फाइनेंशियल स्कोर है वो आपको इम्प्रूव होता दिख रहा है इन द सितंबर 21। तो इसका जो पैट है दैट हैज़ आल्सो बिन रिपोर्टेड एट 4.14 करोड़ फॉर द फर्स्ट 9 months ऑफ द करंट ईयर। तो यहाँ पे भी आपको हाईएस्ट लेवल देखने को मिल जाएगा। नेट सेल्स का वॉल्यूम इज आल्सो एट ₹11.95 करोड़ एंड इट हैज़ ग्रोन बाई 46.81%। तो इसके सितंबर 21 के नंबर्स बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए ही आज का लोग इस स्टॉक पे बहुत ही ब्यूलिश है। आज की बात करें तो इस स्टॉक में अभी तक 25 जैन को 2:23 PM तक इस कंपनी में जो क्वांटिटी ट्रेडेड थी दैट वाज 8,665 एंड इसकी जो डिलीवरी थी दैट वाज 7,376 और नियरली आप देख सकते हो 85% के अराउंड इस स्टॉक में डिलीवरी जो है वो उठाई जा रही है। तो इसके फाइनेंशियल ग्रोथ का पैटर्न बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही रिवर्स्ड है, इसीलिए आज का लोग इस पर बहुत ही ब्यूलिश है। इसका मतलब है कि यदि इसके दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स पॉजिटिव आते हैं तो इस स्टॉक में आपको और भी बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिलेगी। यदि इसके नंबर्स नेगेटिव आते हैं तो फिर इस स्टॉक में आपको जो है वो करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो ये आपको नोट करके चलना होगा, थोड़ा सा आपको अवेयर रहना होगा और दिसंबर 21 के नंबर जरूर चेक करने होंगे और आंख बंद करके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज इसके जो फाइनेंशियल्स हैं दे आर लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। यदि पीई रेशो देखें तो इस स्टॉक की जो है पीई रेशो 35.18 की है, सेक्टर की पीई रेशो 51 की है। तो सेक्टर के कंपैरेटिवली अभी भी ये जो स्टॉक है आपको डिस्काउंट पे मिलता दिख जाएगा। प्राइस टू बुक रेशो 4.54 की है। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का 0.85 का निकल कर आ रहा है। सो वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव एज कंपेयर टू द अदर पीयर्स। इसकी रेजिस्टेंस लेवल देखें तो आप देख सकते हो इसके तीन रेजिस्टेंस हैं 142, 143, 147 का। सपोर्ट देखें तो 136, 132, 130 की दिख रही है। तो इसकी मूविंग एवरेज भी बहुत ही ब्यूलिश दिख रही है क्योंकि आजकल जो इसकी प्राइस है दैट इज ट्रेडिंग अबव ऑल इट्स मूविंग एवरेजेस। आप शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज देख लो या लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेज देख लो, तो दिस स्टॉक के जो टेक्निकल्स हैं दे आर लुकिंग वेरी वेरी ब्यूलिश। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो प्राइस की परफॉर्मेंस हमने आपको बता दी है। लास्ट 1 ईयर से इस स्टॉक में बहुत ही बड़ी ब्रेकआउट देखने को मिली है, स्पेशली इन द लास्ट 1 month। तो लास्ट 1 month में आपने देखा है हमारे देश में जो स्टॉक मार्केट है वॉलेटाइल चल रही थी, लेकिन जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं, जो कुछ छोटी कंपनीज हैं, उनमें बहुत ही बड़ी ब्रेकआउट देखने को मिली है। तो ये भी एक ऐसा ही स्टॉक है जिसमें कि लास्ट 1 month में बहुत ही बड़ी ब्रेकआउट देखने को मिल चुकी है। तो यदि इसका वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो नियरली आप देख सकते हो 100% डिलीवरी इस स्टॉक में कल के दिन उठाई गई है। 1B का एवरेज डाटा देखें तो 9K का वॉल्यूम है और 65% की डिलीवरी है। 1 month का एवरेज डाटा देखें तो 67% की डिलीवरी देखने को मिल रही है। तो डिलीवरी का डाटा बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही शानदार है। तो आइए इसके कुछ और पैरामीटर जो है वो हम स्टडी कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म का रेवेन्यू का ग्रोथ पैटर्न देख लेते हैं। तो 5 साल का ग्रोथ पैटर्न इसके रेवेन्यू का अवेलेबल है आपके सामने। 17 में इसका जो रेवेन्यू था 8 करोड़ था, जो कि 21 में बढ़ के आप देख सकते हो 20 करोड़ हो गया है। पहले 17 से लेकर 19 तक रिडक्शन भी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद इस कंपनी के रेवेन्यू में कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिल गई है ऑन ए ईयर ऑन ईयर बेसिस।
तो आइए नेट प्रॉफिट का डाटा भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको कंसिस्टेंट डाटा ही देखने को मिलेगा। 17 में भी 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने कमाया था और 21 में भी इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 3 करोड़ ही था। आइए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर और पब्लिक ही इसमें स्टेक होल्डर हैं और FIIs और DIIs ने अभी इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं ले रखी है। ये आपको नोट करके चलना होगा कि थोड़ा रिस्की स्टॉक है क्योंकि जून के क्वार्टर के नंबर नेगेटिव थे, सितंबर में पॉजिटिव हैं, बढ़िया नंबर आए हैं। यदि दिसंबर के नंबर पॉजिटिव आते हैं तो ज़रूर आपको इस स्टॉक में और बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं। अदरवाइज़ यदि दिसंबर के रिजल्ट्स नेगेटिव रहते हैं तो इस स्टॉक में और भी बड़ी करेक्शन जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो आइए इसकी परफॉर्मेंस डिफरेंट पीएस के साथ कंपेयर कर लेते हैं। इसकी जो प्राइस है 147 की है, दैट इज़ लोएस्ट एज कंपेयर टू अदर्स फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, बजाज होल्डिंग्स, तो उनके कंपैरेटिवली इसकी प्राइस लो है। आज इस स्टॉक में अपर सर्कल लगता दिखा है। मार्केट कैप भी इसका बहुत ही कम है, स्मॉल कैप कंपनी है एज कंपेयर टू अदर पीएस। प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है वो 35 की है, दैट इज़ ऑल्सो ए मॉडरेट वैल्यू। प्राइस टू बुक रेशो 4.35 की है। आरओई परसेंटेज इज डबल डिजिट, तो हमने आपको पहले भी बताया है आरओई परसेंटेज इज बहुत गुड है ने। तो इन एंड ये कह सकते हैं हम, ये जो कंपनी है एक अच्छी कंपनी है, फाइनेंशियल इसके बहुत ही स्ट्रांग दिख रहे हैं, टेक्निकल्स भी इसके ब्यूलिश दिख रहे हैं और इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी इतना बढ़िया नहीं दिख रहा है और FIIs और DIIs वो अभी वेट कर रहे हैं कि इस कंपनी के दिसंबर क्वार्टर के कैसे नंबर आते हैं, क्योंकि वो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसी स्टॉक में पैसा लगाएंगे जहाँ पे उनको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखेगी, जहाँ पे उनको अच्छे परफॉर्मेंस के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए आपको भी इस तरह की जो है एनालिसिस करके फिर ही किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो एंड में हम आपका थैंक्स कहते हैं, आपने हमारे को टाइम दिया, हमारी वीडियो को सुना। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा।